गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पीएससी पार्ट सेकंड की प्रैक्टिकल क्लास शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो आप लोग बच्चे प्रैक्टिकल्स जो है वो कैसे सीखते हैं, अपन लोग लैब्स में जाके पहले प्रैक्टिकल को वर्क की स्टडी करते हैं, सीखते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। लेकिन चूंकि आप लोगों को पता है कि अभी इस प्रकार का पीरियड कोरोना का हमारा बहुत ही क्रूशियल पीरियड चल रहा है, तो अभी हमारा जो प्रैक्टिकल का जो वर्क होगा वो हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही समझेंगे। ओके, बीएससी का जो प्रैक्टिकल वर्क है पार्ट सेकंड का, वो हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही लेंगे। सिलेबस के अंदर हमारे कौन कौन से कंटेंट्स है, देखिए आप लोगों के जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट कंटेंट है दैट इज स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेन। ओके, कौन कौन से फाइलम के जो स्पेसिमेन है इसके अंदर, फाइलम ऑंकोफोरा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा, इन फाइलम्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स है जिनकी हम स्टडी करेंगे। सेकेंड कंटेंट जो है सिलेबस का दैट इज स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स। माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स के अंदर हम कुछ वेरियस जो हमारी फाइलम्स हैं इनके कुछ जंतु या उन जंतु के जो ऑर्डर्स हैं उनकी स्लाइड्स के थ्रू स्टडी करेंगे। सेकेंड हमारा क्या है दैट इज एनाटॉमी। आपके कोर्स के अंदर दो जंतु प्रॉन या स्क्विला और पाइला, इन दो जंतु की हम एनाटॉमी की स्टडी इस पॉइंट के अंदर करेंगे। फोर्थ है आपका स्टडी थ्रू परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन। परमानेंट स्लाइड किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं, उसका प्रोसीजर और उसके थ्रू हम जो वेरियस जंतुओं के जो ऑर्गन्स हैं उनकी कैसे स्टडी करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। ओके, फिफ्थ पॉइंट हमारा जो है वो माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड है। इसकी कुछ एक्सरसाइजेज है जो हम क्लास के दौरान सीखेंगे। एंड सिक्स हमारा एनिमल फिजियोलॉजी की एक्सरसाइजेज रहेंगी और सेवन्थ हमारा बायोकेमिस्ट्री जो टॉपिक है उसकी कुछ एक्सरसाइजेज हम प्रैक्टिकल्स के दौरान सीखेंगे। आज जो हमें क्लास शुरू करने जा रही हूँ वो है हमारा स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेन, जिसके अंदर फाइलम ऑंकोफोरा का जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है दैट इज पेरिपेटस, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम पेरिपेटस का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। पेरिपेटस फाइलम ऑंकोफोरा को बिलोंग करता है। इसकी क्लास यूनिकोफोरा है, ऑर्डर यूनिकोफोरा है, जीनस हम पढ़ रहे हैं पेरिपेटस, और इसकी अलग अलग स्पीशीज होती है जो कॉमन स्पीशीज जो है दैट इज बेसिलेंसिस। ओके, ये तो था क्लासिफिकेशन। अब हम यदि हम इसके कमेंट सेक्शन के अंदर जाएं जो हम प्रैक्टिकल्स के अंदर लिखते हैं, तो हमें इसका एक्सटर्नल फीचर पता होना चाहिए, इसकी हैबिटेट पता होना चाहिए। सबसे पहले हम इसकी बात कर लें हैबिट एंड हैबिटेट। देखिए हैबिट हैबिटेट पढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। पेरिपेटस जो है एज ए लिविंग फॉसिल्स तथा कनेक्टिंग लिंक के रूप में माना जाता है, ठीक है, संयोजक कड़ी है ये जंतु। कौन से दो फाइलम के संयोजक कड़ी है ये फाइलम एनेलिडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा, इन दो के बीच में संयोजक कड़ी है। संयोजक कड़ी हम क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर कुछ लक्षण जो है वो फाइलम एनेलिडा के कुछ लक्षण और फाइलम आर्थ्रोपोडा के कुछ लक्षण जो जंतु शो करता है। ओके, कहाँ पाया जाता है ये जंतु, ये जंतु जो है वो मेनली अमेरिका, मेनली साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो ये लोकेशन है इनकी जो मॉइस्ट फॉरेस्ट है उनके अंदर ये लोकेटेड रहता है। ओके, और यदि हम हैबिटेट्स की बात करें इसकी, तो ये किस प्रकार का जंतु है, ये नॉक्टर्नल एनिमल है, कार्निवोरस एनिमल है, प्रीडेशियस एनिमल है। ओके, एंड टेरिस्ट्रियल एनिमल है। कहाँ मिलेगा ये हमको, ये हमें मिलेगा अधिकतर मॉइस्ट प्लेसेस में, जहाँ पे मॉइस्ट फॉरेस्ट एरियाज के अंदर, जहाँ पे ये चट्टानों की जो क्रेविसेस होती है दरारें उनमें, जो वृक्ष की छाल होती है उसके अंदर, या पत्थरों के नीचे जो डंपी एरियाज होते हैं वहां पर ये पाया जाता है। नॉक्टर्नल एनिमल है, प्रीडेशियस है, ये किसको एज ए प्रे जो है अपने भोजन पदार्थ के रूप में यूज करता है, जो स्मॉल स्नेल्स होते हैं उन्हें, स्मॉल इंसेक्ट्स या कुछ स्मॉल आर्थ्रोपोडस जो जंतु होते हैं उनको एज ए
अंदर अलग अलग होते हैं और मेन ये वीवी पेयर्स एनिमल होते हैं। अब हम चलिए इसके कुछ एक्सटर्नल फीचर की तरफ। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेटर्स का ये डायग्राम बनाया है जो उसके एक्सटर्नल फीचर शो कर रहा है। बॉडी यदि हम देखें जंतु की तो किस प्रकार की बॉडी है इसकी। ये जंतु बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। सिलिंड्रिकल इलॉन्गेटेड बॉडी इनकी पाई जाती है जो कि एक थिन काइटिनस क्यूटिकल के अंदर एनक्लोज रहती है। ओके, इनका बॉडी की जो स्किन है उस पे स्किन किस प्रकार की होती है, सब वेलवेटी स्किन। इसीलिए ऑर्कोफोरा जो है इनको हम वेलवेट वर्म्स भी कहते हैं। वेलवेटी स्किन पाई जाती है और इसकी संपूर्ण जो बॉडी है थोड़ा इंटीरियर पार्ट को छोड़ के जो इसका पिछला पार्ट है जिसको हम ट्रंक रीजन कहते हैं, पूरी संपूर्ण इलॉन्गेटेड बॉडी पर ट्रांसवर्स रिंकल्स पाए जाते हैं। ओके, दीज आर नॉन एज अ ट्रांसवर्स, ये दिख रहे हैं, दैट आर नॉन एज अ ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स रिंकल्स। ओके, और इन ट्रांसवर्स रिंकल्स पर असंख्य छोटी छोटी क्या पाई जाती है, ये ट्यूबरकल्स जिन्हें हम स्पाइनी पैपिले कहते हैं वो इनपे ओवरी भी पाए जाते हैं। एंटीरियर पार्ट यदि हम देखें जिसको हम हाइड्रीजन भी कहते हैं, इस एंटीरियर पार्ट के बिल्कुल एंटीरियर पॉइंट पे माउथ की ओपनिंग होती है और माउथ से थोड़ा ऊपर चले तो दोनों हाइड्रीजन के लेफ्ट और राइट साइड के अंदर वन पेयर ऑफ ऑरल पैपिला सिचुएटेड रहते हैं। ओके, ऑरल पैपिला के अंदर स्लिम ग्लैंड्स जो है वो पाई जाती है जो कि एक प्रोटीनेशियस ग्लू सीक्रेट करती है। ये प्रोटीनेशियस ग्लू क्या करता है, ये प्रोटीनेशियस ग्लू जो है वो जंतु का जो प्रे होते हैं उनसे चिपक जाता है, जिसकी सहायता से फिर भी जंतु जो है वो इन प्रे को ग्रहण कर लेता है, माउथ के थ्रू ग्रहण करने में सहायक होती है ये ऑरल पैपिला। ओके, हेड के बिल्कुल डॉर्सल सरफेस के यहाँ पे वन पेयर ऑफ एंटीनी पाई जाती है। एंटीनी किस प्रकार की होती है, ये संवेदी रंग के रूप में कार्य करती है। ओके, और दोनों तरफ हेड रीजन के अंदर यहाँ पे सिंपल आई सिचुएटेड रहती है। आगे हम चले ट्रंक रीजन, अभी मैंने बताया ट्रांसवर्स रिंकल्स जिसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं जिस पर ट्यूबरकल्स जो है वो स्थित होते हैं। इस ट्रंक रीजन के अंदर अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज 42-43 पेयर्स ऑफ अपर लिजेस पाए जाते हैं। ओके, जिन्हें हम लैग्स भी कहते हैं। दोनों लेटरल साइड्स के अंदर इसके अंदर 42-43 पेयर्स, लेकिन ये जो अपर लिजेस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, ये अपर लिजेस ये अनसेगमेंटेड होते हैं एंड स्टंपी इसके अंदर लैग्स पाए जाते हैं जो कि जंतु के मूवमेंट या जंतु के लोकोमोशन में सहायक होते हैं। ये जो अनसेगमेंटेड लेग्स हैं इनके ये लेग्स जो है वो रिजर्व्स के थ्रू रिंग रहते हैं। ठीक है, इनके रिंग्स पाई जाती हैं और इसका जो टर्मिनल एंड है लेग्स का वहां पर क्या पाए जाते हैं, क्लॉज पाए जाते हैं। ओके, जंतु का जो पोस्टीरियर एंड है वहां पर इसकी इसकी बेस पर एनल ओपनिंग इसके अंदर पाई जाती है। ओके, अब हम बात करें, ये तो था कुछ एक्सटर्नल फीचर्स की, ये जंतु किस प्रकार का है, मैंने बोला अभी नॉक्टर्नल है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है, नॉक्टर्नल है, प्रीडेशियस है, मेल एंड फीमेल जंतु सेपरेट होते हैं। इसमें एक्सक्रीशन होता है नेफ्रिडिया के द्वारा, रेस्पिरेशन के लिए इसके अंदर ट्रैकिया पाए जाते हैं और ये ट्रैकिया स्पाइनल्स के थ्रू बॉडी सरफेस पर खुलते हैं और मेनली किस प्रकार के जंतु हैं, ये वीवी पेयर्स एनिमल्स हैं। ओके, शुरुआत में मैंने कहा था ये क्या है, संयोजक कड़ी है, कौन से दो फाइलम्स की, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। अब इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि एनेलिडा एनेलिडा फाइलम जो है उसके शो करते हैं और कौन से कैरेक्टर्स आर्थ्रोपोडा के शो करते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। एनेलिडा के अंदर इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, देखिए एक तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, यही अनसेगमेंटेड, क्या होती है इसकी, अनसेगमेंटेड एंड स्टम्पी लेग्स पाए जाते हैं इसके अंदर। सेकेंड क्या पाया जाता है इसके अंदर, सिंपल आई पाई जाती है। ओके, सिंपल आई पाई जाती है इसके अंदर। और थर्ड स्ट्रेट एलिमेंट्री
पाई जाती है। और यदि हम फोर्थ पॉइंट करें तो एक्सक्रीशन किसके थ्रू हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है इसके अंदर नेफ्रिडिया के थ्रू। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो इसको एनिलिडियन कैरेक्टर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ओके, अब हम बात करें आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स की, तो आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स कौन कौन से ये शो करता है। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर क्या पाई जाती है, एंटीनी पाई जाती है। ओके, इसके अलावा इसके अंदर जॉज पाए जाते हैं, और क्या पाया जाता है इसके अंदर, इसके अंदर जंतु के अंदर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, ट्रेकिया के थ्रू इसके अंदर रेस्पिरेशन पाया जाता है। ये कैरेक्टर्स जो है वो क्या शो करते हैं, वो ये कैरेक्टर्स आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स शो करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही प्रकार के कैरेक्टर्स एक ही जंतु के अंदर पाए जाते हैं। इसी वजह से पेरिपेटस एनिलिडा फाइलम और आर्थ्रोपोडा फाइलम के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है।